हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द स्पेशल केसेस इन राउत्स क्राइटेरिया. ओके, सो सी द फर्स्ट केस. दिस इज़ द फर्स्ट केस इन राउत्स क्राइटेरिया. इन फर्स्ट केस, इफ फर्स्ट एलिमेंट, सी इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इन अ राउत अरे इज ज़ीरो, ठीक है, while the rest of row has at least one non-zero terms, then due to this the next row element becomes infinity and route test fails. means क्या होता है, अगर जो first element है row का वहाँ पर क्या होगा, zero होगा और next जो है non-zero होगा, तो आपकी जो next term आएगी वो क्या हो रहेगी, becomes infinity रहेगी. next row की जो term रहेगी वो infinity रहेगी. इसके वजह से फिर क्या होगा, राउत्स क्राइटेरिया फेल होगा. ओके, सो इसको डिटेल्स में देखेंगे. अभी यहाँ पे देखो, ये आपको इक्वेशन कंसीडर करना है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस टू फाइव प्लस एस एस फोर प्लस ट्वाइस एस क्यू प्लस ट्वाइस एस स्क्वायर प्लस थ्राइस एस प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अभी ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपना राउत्स क्राइटेरिया का, और ये आपको कंसिडर करना है फर्स्ट. ओके, सो ए ज़ीरो एस रेस टू एन मीन्स क्या होगा आपका, ये एस रेस टू फाइव होगा. ओके, इस तरह आपको ये एक एक कोएफिशिएंट कंसिडर करना है. तो अब जो है आगे आप राउत्स क्राइटेरिया कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे. तो सबसे पहले देखना है ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें आपका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, एस रेस टू फाइव. सो यहाँ से आपको एस रेस टू फाइव से स्टार्ट करना है फर्स्ट रो. ओके, सो एस रेस टू फाइव से हम लोगों ने फर्स्ट रो स्टार्ट कर दी है. और आपको पता है कि राउत्स क्राइटेरिया में जो है फर्स्ट रो में का क्या आएगा, यहाँ पे ए ज़ीरो की वैल्यू आएगी, उसके बाद में यहाँ पे ए टू आएगा और यहाँ पे ये फोर आएगा. तो इस पर से आपको निकालना है ये जो मैंने आपको दिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पे ए ज़ीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी. बाद में क्या है आपका, ए टू है, ए टू कितना है यहाँ पे, दैट इज़ टू है. ओके, और बाद में जो है ए फोर, ए फोर कितना है देखो यहाँ पे, थ्री है ना. तो इस तरह आपको फर्स्ट रो में वैल्यूज पुट करनी है. ओके ओके, नेक्स्ट रो में देखो, अभी नेक्स्ट रो है जो नेक्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपका, एस रेस टू फोर. सो नेक्स्ट रो में आपको पता है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि कोएफिशिएंट्स कौन से आएंगे, दैट इज ए वन, देन ए थ्री, ओके, एंड देन ए फाइव. सो इस ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर से आपको कोएफिशिएंट जो है लिखने हैं. तो आपका फर्स्ट जो है वो ए वन है. सो ए वन कितना है यहाँ पे, वन है ना कोएफिशिएंट. बाद में क्या है आपका, ए थ्री है. सो ए थ्री कितना है यहाँ पे, टू है. बाद में है ए फाइव, कितना है, दैट इज़ फाइव. सो इस तरह आपको ये कोएफिशिएंट्स आपने लिख लिए हैं सेकेंड रो में. अभी आपको क्या निकालना है इस पर से, बी वन और बी टू. सो बी वन और बी टू का वैल्यू जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं ए वन ए टू ए ज़ीरो ए थ्री के. ओके, सो ए वन देखो यहाँ पे कितना है, ए वन आपका, ए वन था आपका वन है ना. बाद में ए टू है आपका, दैट इज टू है ना. सो इधर क्या है, वन इंटू टू माइनस लेंगे. बाद में यहाँ पे ए ज़ीरो कितना है, वन है, और ए थ्री कितना है, टू है. सो इधर भी वन इंटू टू आएगा डिवाइडेड बाय ए वन. सो ए वन अगेन यहाँ पे कितना है, ए वन, दैट इज वन. सो डिवाइडेड बाय वन करेंगे. बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका ज़ीरो. सो बी वन कितना आ रहा है, इधर लिख लेंगे, दैट इज ज़ीरो. ओके, इस तरह आपको बी टू भी निकालना है. सो ये जो बी टू है, बी टू का भी फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ ए वन ए फोर माइनस ए ज़ीरो ए फाइव डिवाइडेड बाय अगेन ए वन. सो आपको बी टू निकालते वक्त आपको ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स आपको कंसिडर करनी है. इसका आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यही वैल्यू जो है पुट करनी है फॉर्मूले में. देखो ए वन ए फोर माइनस ए ज़ीरो ए फाइव अपॉन ए वन, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दैट इज़
माइनस टू, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बी टू। ओके ओके, उसके बाद में आपको जो है बी वन और बी टू मिल गया है, इसके ऊपर से आपको निकालना है सी वन। ओके, अगर सी वन आपको निकालना है तो हम लोग कौन से वैल्यूज कंसिडर करेंगे, दिस वन। ओके, सो सी वन निकालना है तो इसका हम लोग क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, उसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज। ओके, सो आपका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, मीन्स आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, सो इस तरह जो है आपका जो सी वन है वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सो आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी केस आई आपकी राउथ क्राइटेरिया में तो आपको दो मेथड्स यूज़ करके सॉल्व करना पड़ता है, उसमें से एक मेथड यूज़ करके। सो आज टुडे लेक्चर में हम लोग एक ही मेथड देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड जो है वो देखेंगे। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए आपको, मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी आए, सो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूट स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स दैट इज एप्सिलॉन फॉर द जीरो ऑकर्ड एज अ फर्स्ट एलिमेंट इन अ रो एंड प्रोसेस्ड द कम्प्लीट राउट्स अरे एंड देन एग्जामाइन साइन चेंज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रोज अरे बाय टेकिंग लिमिट ई टेंस टू जीरो एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मीन्स क्या करना है, जहाँ पे आपका जीरो आ गया है, मीन्स कहाँ पे आया था अपना जीरो, देखो यहाँ पे ये टर्म में आपका क्या आया था, जीरो आया था, ये वाली टर्म में आपका सॉरी कौन से वाले ऊपर वाली टर्म में जो है आपका जीरो आया था इधर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्सिलॉन पुट करना है। सो देखो यहाँ पे वो वाले टर्म में उन्होंने क्या पुट किया है, एप्सिलॉन पुट किया है, और एप्सिलॉन पुट करके उन्होंने जो है वैल्यूज निकाली है सी वन और सी टू की। ओके, सो सी वन और सी टू की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे ये आ गया आपका सी वन और सी टू। ओके, यहाँ पे हम लोग सी वन सी टू का फॉर्मूला भी आपको पता है। ओके, इसके ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे, डी वन का जो है वो निकालेंगे वैल्यूज़, तो डी वन भी अपना ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं लास्ट बट वन स्टेप में। ओके, यहाँ पे अगर ज़ीरो कंसिडर कर लिया है तो यहाँ पे आपका ई वन भी निकल जाएगा। ओके, सो इस तरह आपको जो है सॉल्व करना है, इवन जब निकालेंगे तो ये दो टर्म्स आपको कंसिडर करनी है, इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये टर्म करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, टू चेक चेंजेस इन साइन अप्लाई लिमिट ई टेंस टू जीरो टू द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट विच विथ एप्सिलॉन वैल्यू। ओके, आपको जो है अगर साइन का चेंजेस क्या करना है, चेक करना है, तो लिमिट ई टेंस टू जीरो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम को, जहाँ पे भी आपका क्या है, एप्सिलॉन है। ओके, सो सी, सो फर्स्ट टर्म जो है अपनी, वहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को सॉरी जहाँ पे एप्सिलॉन है वहाँ पे लिमिट ई टेंस टू जीरो पुट कर दिया। अगर ई टेंस टू जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मीन्स टू बाय ज़ीरो, है ना, इधर क्या आएगा टू बाय ज़ीरो, सो आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज़ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, और जो सेकंड टर्म है अपनी एप्सिलॉन की, उसको भी मैंने लिमिट ई टेंस टू ज़ीरो पुट कर दिया, तो आपका जो आंसर आ रहा है देखो वो आ रहा है माइनस टू, मीन्स ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और ये का क्या आएगा, आया था पॉजिटिव आया था। सो हियर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन साइन नॉट इन मैग्नीट्यूड, हियर द फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट इज पॉजिटिव, और सेकंड जो आ रहा है अपना दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो विच हैज़ लिमिटिंग वैल्यू, इट इज़ माइनस टू। सो इसमें क्या हो रहा है, आपके दो साइन चेंजेस हो रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। ओके, देयर आर टू साइन चेंजेस एंड हेंस द सिस्टम इज अनस्टेबल हैविंग टू पोल्स इन राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, मीन्स दो साइन चेंज हो रहे हैं तो ये जो सिस्टम है वो क्या रहेगी, अनस्टेबल सिस्टम रहेगी। मीन्स आपको जब भी क्वेश्चन आएगा
तो वो पूछते हैं ये सिस्टम कौन सी है, अनस्टेबल है स्टेबल है। सो आपके अगर फर्स्ट कॉलम में दो साइन चेंज आ गया, मीन्स प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस आ गया, तो वो सिस्टम क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। ओके सो इस तरह आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके सो